रही है। और फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन से लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। दिल तुझ पे कुर्बान फिल्म कंप्लीट हो गई है और उस फिल्म को मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि फिल्म जल्दी से रिलीज हो जाए और सुपर डुपर हिट हो जाए, जिसमें रितेश पांडे जी हैं और अभय तिवारी जी हैं, राजू चौहान जी डायरेक्टर हैं। तो मैं सभी को और पूरे टेक्नीशियंस को बधाई देती हूँ फिल्म कम्प्लीट होने के उपलक्ष्य में। रितेश पांडे और अभय तिवारी की जोड़ी कैसी फिल्म में जमी है, कैसा रहा है दोनों का तालमेल? जैसे कि मेरी अभी राजू जी के साथ में बहुत अच्छे, मैं पहले से जानती हूँ उनको, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है और दोनों का ट्यूनिंग भी बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से केमिस्ट्री अच्छी होने से फिल्म भी बहुत अच्छी बन चुकी है। तो बस आप लोग वेट कीजिए, फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। कहाँ-कहाँ फिल्म शूट किया गया है, क्या कुछ फिल्माया गया है? इस फिल्म के बारे में तो राजू जी मुझसे बेहतर आपको बता सकेंगे। जी जी, हाल ही में मैंने अभी रुद्रा फिल्म्स कंपनी की फिल्म है जो भैया जी नीलकंठ में कर रही हूँ। अभय तिवारी जी उसमें है, राजू चौहान डायरेक्टर है वंस अगेन। और ये फिल्म हम लोग अप्रैल में देवरिया यूपी और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस में शूट करने का उन्होंने प्लानिंग बनाया है। और क्या बताऊँ अभी, क्योंकि अभी इन्होंने जो फिल्म की है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा चलो मैं भी ये फिल्म करती हूँ, तो इस तरह से मैं अभी भैया जी नीलकंठ कर रही हूँ। अभय जी से मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नए हैं, उनके साथ में मैंने हालांकि अभी एक गाने में रिहर्सल भी किया जिसमें उनके बॉडी में पूरा रिदम है, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा है और पर्सनालिटी सुपर हीरो की तरह है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे और अच्छी पर्सनालिटी है, भोजपुरी लैंग्वेज जानते भी हैं, तो उनको फिल्म में जरूर काम करना चाहिए और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहना चाहिए उनको। फिल्म डायरेक्टर राजू जी ने कभी काम किया उनके साथ? राजू जी के साथ में मैंने पहले एक फिल्म में काम किया था जिसमें मैंने एक सॉन्ग किया था और उनके साथ में हमारा फैमिली रिलेशन है, तो फिर जब भी उनके पास ऐसा कोई मौका आता है तो डेफिनेटली वो मुझसे पूछते हैं और हम लोग, और अब ये मौका मिला तो अब उनके साथ ये फिल्म कर रही हूँ। पूरी यूनिट तो सबके साथ में मैंने काम किया है और सबके साथ में मेरी ट्यूनिंग भी अच्छी है। एक्शन फिल्म है ये और एक्शन से भरपूर है, तो दिलीप जी हैं जो बहुत ही सुपर डुपर एक्शन के मास्टर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली अच्छी फिल्म बनेगी एक्शन से। अभी जी के साथ काम करके आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं अभी जी के साथ में अप्रैल से काम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस बात को लेकर के आपका अभी जी का तालमेल बैठा है? जैसे कि मैं अभी जी से मिली हूँ तो उनका नेचर बहुत ही मिलनसार है और चीज़ों को समझते हैं और मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी जो हमारे दर्शकों के सामने एक अच्छा नया एक जोड़ी के रूप में हम लोग सामने आएंगे। संगीता तिवारी, अभय तिवारी, दोनों तिवारी हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहना चाहेंगे, जोड़ी दर्शकों को कितना पसंद आएगी? जोड़ी दर्शकों को, मतलब मैंने बताया ना कि हमने अभी जितनी भी बातचीत की उसमें उनके साथ में मैं बहुत ही कंफर्टेबल थी, ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि कोई नया एक्टर है या कोई नया प्रोड्यूसर है, तो उनके साथ में ट्यूनिंग मुझे लगता है कि अच्छी रहेगी और तालमेल बैठाकर अच्छा काम करेंगे। आपको नहीं लगता कि अभय तिवारी नाम सुनकर के फिल्म में जो संगीता तिवारी होंगी तो दर्शक कुछ और ही मीनिंग निकालना शुरू कर देंगे? ऐसा एक बार और हुआ था जब मैंने इंसाफ फिल्म की थी मनोज तिवारी जी के साथ में, तो जब शूटिंग करती थी तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग मस्ती करते थे, मजाक करते थे, लेकिन हम एक कलाकार हैं, सर नेम इट्स ओके, बट जैसा जिनको अच्छा लगता है वो वैसा एंजॉय करें। संजय भूषण जी मेरे वन ऑफ द फेवरेट पीआरओ है और मैंने काफ़ी फिल्में की हैं तो जिसके पीआरओ उन्होंने किया है, तो उनके साथ भी एक अच्छी ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज के तारीख में भोजपुरी के नंबर वन पीआरओ है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भैया जी नीलकंठ की शूटिंग हम लोग अभी मैंने सुना है कि अप्रैल में प्लानिंग कर रहे हैं और देवरिया और यूपी में काफी जगहों पर शूट की जाएगी। और कौन कौन से कलाकार हो सकते हैं आपके साथ?
अभी तो फिलहाल ये सब डायरेक्टर बताएंगे जो राजू जी हैं। अपकमिंग फिल्में मेरी अभी जो हाल ही में मैंने राजस्थान में सुनील जगोटिया जी के साथ में फिल्म कंप्लीट की है, गुमराह फिल्म है, टकराव फिल्म भी रिलीज के लिए तैयार है, और हर हर महादेव है। लेट्स सी ये लोग कब रिलीज करते हैं। इस वीक होली है, 10 को क्या बधाई देना चाहिए? 10 तारीख की होली के लिए मैं सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी होली के उपलक्ष्य में, और बस यही कहूंगी कि हैप्पी होली, शुभ होली, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, होली खेलिए लेकिन अपने एक लिमिट में, और अच्छे अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें और ज्यादा दूसरों को नुकसान ना हो उस तरह का कलर का उपयोग करें। कोरोना वायरस के लिए क्या कहेंगे? कोरोना वायरस है तो किस तरह से? जी जी जी, कोरोना वायरस के लिए मैं यही कहूंगी कि अपने आसपास का वातावरण को साफ रखें, जिसको सर्दी जुकाम है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और अच्छे अच्छे सैनिटाइजर जिससे अपने हैंड वॉश करे, डेटॉल से हैंड वॉश करे, साफ सफाई का खास ध्यान रखें। अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो अपने आप को पहले ठीक करे, उसके बाद पब्लिक में जाए, और अगर कोई पब्लिक में जाता भी है तो मास्क लगा के जाए, थोड़ा सा सुरक्षा अपने हिसाब से करे, गर्म पानी पिए और गर्म चीज़ खाए पिए, तो उससे मेरे ख्याल से कोरोना ज़्यादा ठंड में होता है तो गर्मी उसको ज़्यादा मिलेगी तो वो कीटाणु जो मर जाएगा। साबुन है, डेटॉल है, साबुन है, बहुत सारी चीजें हैं, गर्म पानी से हाथ धो सकते हैं तो वो कोरोना वायरस वही मर जाएगा। जी मैंने पवन जी का ये जो होली वाला सॉन्ग है ये कल ही देखा है, और मैंने बहुत प्राउड फील किया ये सॉन्ग देख के कि हमारे भोजपुर की फिल्में तो चलती है, लोग जानते हैं, लेकिन पवन जी की वजह से आज हमारा भोजपुर बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए तैयार है। मुझे ये गाना देख करके मैं बहुत ही प्राउड मैंने फील किया, और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी धीरे 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 उस मुकाबले में पहुँचेगी। भोजपुरी के एक फेमस सिंगर है जिसने कोरोना वायरस के ऊपर गाना निकाल दिया है, ये मैंने सुना नहीं। खुशबू उत्तम नाम है उनका। क्या बोला आपने? खुशबू उत्तम जी। अच्छा, कोरोना वायरस जो आपको होली का अच्छा लगा हो? सर देखिए, बेसिकली तो हम लोग सिंगर नहीं है, फिर भी याद गा दीजिए सर। मुझे तो वैसे मैं क्या सभी लोग गुनगुनाते होंगे अकेले में बैठ के, कुछ नहीं, मैं तो वैसे बाथरूम सिंगर हूँ सर। वो ही गाइए, गाइए, गाइए। कुछ जो गाना आपको पसंद आया हो बचपन से लेके, जो बाथरूम में गाते थे वो गाइए। होली का जो गाना आपको अच्छा लगा हो। तो आपको कैसे पता चला कि मैं बाथरूम में होली के ही गाने गाता हूँ? हमने बोला कोई भी, कोई भी, होली किस तरह मनाने वाला ये बता दीजिए। चलिए होलिया में उड़े रे गुलाल गा दीजिए। कुछ गाइए सर। नहीं, आयुषी मुझसे अच्छी सिंगर है, ये सेट पे गाने बहुत गाती थी सर। अबे देखिए, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, और मैं 8 साल पहले स्ट्रगल करके यहाँ से चला गया था, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं। फिर एक बिजनेसमैन फैमिली से हूँ तो फिर बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करने लगा। लेकिन सर होता है ना कि आपके अंदर अगर कुछ पैदाइशी गुण है तो वो दब जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं दबेगा, वो फिर अपने आप उठेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगा, बिजनेस को मैंने खड़ा कर लिया, तो मुझे लगा कि अब तो यह बिजनेस अपने आप चल जाएगा, तो अब मेरे जो शौक हैं जो मैंने दबा के रखा उसको करना चाहिए। तो फिर मैंने रुद्रा फिल्म्स ओपन किया। तो बेसिकली फिल्म में काम करना, एक्टिंग करना, ये तो मेरा पेशेंस था, लेकिन अब मजबूरी थी तो मैं बिजनेस में चला गया था, लेकिन फिर से मैंने 8 साल बाद कम बैक किया है। और फैमिली बैकग्राउंड क्या आपका? फैमिली बैकग्राउंड में बेसिकली मेरे डैडी जो है इंडियन नेवी से फर्स्ट लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हैं, मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ हैं, और बाकी के जो दो भाई हैं मेरे वो बिजनेस मैन हैं, और मैं भी बिजनेस मैन ही हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मैं एक्टर बन गया। भोजपुरी में किसी हीरो को गॉडफादर मानते हैं? भोजपुरी में मैं एक रवि किशन को मानता हूँ, और हिंदी में मनोज बाजपेयी को। क्या रवि जी की क्या कुछ खास बातें आपको अच्छी लगती है? रवि जी का यही है सर कि वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, उनकी अगर एक्टिंग देखी जाए तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो बनावटी है, वो नेचुरल लगेगा, और वही पसंद है मुझको। कहीं इसलिए तो नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं रवि जी? नहीं, ऐसा नहीं है सर, उत्तर प्रदेश के तो बहुत लोग हैं, दिनेश लाल यादव जी भी उत्तर प्रदेश के, सब अच्छे एक्टर है, लेकिन होता है अपना एक गॉडफादर किसी को मानना जिसको फॉलो करना,
तो मैं उन्हीं को करता हूँ, रवि किशन जी को करता हूँ। तो बिजनेसमैन से एक्टर, एक्टर के बाद जैसे रवि किशन ने राजनीति में कदम रख दिया था, क्या आपका भी राजनीति में भी फिल्म में किस किरदार को आप निभा रहे हैं, इस किरदार को लेकर क्या बताना है? दिल तुझ पे कुर्बान में मेरा जो रोल है वो एक सॉफ्ट नेगेटिव टाइप का है, और अच्छी मूवी की है मैंने और रितेश पांडे ने मिलके। रितेश पांडे वैसे भी आप लोगों को शायद मालूम होगा कि लीड रोल में, और मैं उसमें नेगेटिव शेड में हूँ लेकिन सॉफ्ट में हूँ। तो फिल्म के शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस है, और रितेश पांडे जी की बात की जाए, उन्होंने कई फिल्में की हैं और हमेशा ही हिट रही है, उनके गाने भी काफी देखे जाते हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और पूरी टीम के साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान कहीं कोई दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी आपको? नहीं देखिए, दिक्कत तो नहीं आई, और बेसिकली रितेश पांडे अच्छे एक्टर हैं और अच्छे सिंगर भी हैं, और काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और मुझे उनसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, और बेसिकली दिक्कत तो ऐसी कुछ आई नहीं, क्योंकि हमारी यूनिट बहुत अच्छी थी, एक साथ में मिलके सबने काम किया है, और खास करके हमारे जो डायरेक्टर हैं राजू चौहान, उनके सपोर्ट से हम लोग अच्छा ही करके आए हैं। रुद्रा कंपनी अपने नए कंपनी को उसके बारे में बताएंगे क्या क्या करने वाली है? देखिए रुद्रा फिल्म्स कंपनी जो है, क्या मोटो है पूरा? मोटो ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे भोजपुरी का जो ग्राफ है, मेरा मानना यही है, इस बैनर को खोलने का मतलब ये है कि भोजपुरी को और ऊंचे लेवल पे लेके जाना, क्योंकि मैं जब ये मूवी बनाने चला था या बैनर खोलने चला था तो मेरे डैडी ने एक ही बात बोली थी कि मूवी ऐसी बनाना कि मैं और तुम साथ में देखने जाएं। तो मेरा यही मानना है कि हम लोग भोजपुरी का जो ग्रेड है उसको और उठा के लेके जाए, ग्रेड तो है ही लेकिन और भी उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि रुद्रा फिल्म्स कंटिन्यू अब मूवी बनाएगी। तो रुद्रा फिल्म कंपनी से किस तरह की फिल्में और किस तरह की मैसेज फिल्में, क्या कुछ मतलब डिसाइड है, किस तरह की फिल्में दर्शकों के बीच लाने की आपकी प्लानिंग होगी? देखिए अभी तो एक हम कंप्लीट करके आए हैं दिल तुझ पे कुर्बानी, ये रोमांटिक मूवी है, और नेक्स्ट हम लोग अप्रैल में जा रहे हैं भैया नीलकंठ, ये एक्शन मूवी है, और जैसे वो कंप्लीट होगी तो आगे भी हमने सोच के रखा है, क्योंकि बैक टू बैक हम 5 मूवी बनाने वाले हैं बैक टू बैक, और मोटो यही है कि एक ही थीम है हम लोगों का कि भोजपुरी के ग्रेड को ऊपर लेके जाना। सर सबसे पहले मैं आपका नाम आपके बारे में जानना चाहूंगी। नमस्कार, मैं आयुषी तिवारी, और मैं इस फिल्म में लीड रोल कर रही थी रितेश जी के साथ में। पूछिए आयुषी जी, आपके किरदार की बात की जाए, आपके किरदार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा जो किरदार था वो बहुत ही अच्छा था, एक नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, और नॉर्मल लड़की रहती है, कॉलेज के बहुत सारे सीन्स थे स्कूल का, और काफ़ी सारे शेड थे सीन्स में, रोमांटिक भी था, इमोशनल भी था, क्रूएल भी था, तो काफ़ी शेड मिलेंगे आपको देखने को इस मूवी में। तो रुद्रा फिल्म कंपनी की पहली मूवी जो आपने की है, ये फिल्म करने के बाद क्या लग रहा है, कितनी अच्छी फिल्म भोजपुरी की जगत में, कितनी अच्छी ये रुद्रा फिल्म कंपनी कितनी अच्छी फिल्मों को लेकर आएगा बैक टू बैक, और इस फिल्म ये फिल्म कितनी अच्छी लगेगी दर्शकों को? मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आने के बाद भोजपुरी फिल्म में बहुत सारे सुधार आएंगे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो बिल्कुल फैमिली ड्रामा है, रोमांटिक भी है, फैमिली भी है, और एक्शन भी है। तो पहले क्या होता था, हम लोग फैमिली के साथ देखने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि पता नहीं कैसे सीन्स होंगे क्या होंगे, बट इस फिल्म में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वर्गलिटी नहीं है, तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ नयापन दिखेगा इसमें। तो आयुषी अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखेंगे? जरूर देखेंगे। और इस फिल्म में पूरी टीम की बात की जाए, किस तरह से सबके साथ किस तरह की बॉन्डिंग? बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, और हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि शूटिंग पे आए हैं, आराम से शूटिंग हमने किया और कब खत्म हो गई शूटिंग पता ही नहीं चला, और हम लोग फैमिली की तरह वहाँ पे रहते थे, शूटिंग करते थे, फिर पैकअप होता था, और आते टाइम ऐसा लग रहा था कि फैमिली से दूर जा रहे हैं, आने का किसी का मन नहीं था वहाँ पे, सब लोग इमोशनल हो गए थे आते टाइम, इतना अच्छा लगा। कई बार शूटिंग पे जाते हैं तो ये लगता है कि जल्दी शूटिंग खत्म हो हम लोग घर जाए, बट यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, शूटिंग मतलब नेक्स्ट शूटिंग कब, जल्दी हम शूट पे आएंगे दोबारा। आप किसके अपोजिट कर रहे हैं, आपके हीरो कौन है? रितेश जी के अपोजिट में हूँ मैं, और मेरे अपोजिट में क्या नाम है, अभय जी भी हैं नेगेटिव रोल में। और हर मूवी एक एक्टर के लिए नया मूवी हमेशा नया ही होता है, तो वो मूवी का शेर अलग था, ये अलग है। दोबारा इनके साथ काम करेंगे? बिल्कुल करूंगी, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया था, बट इनको देख के लगेगा नहीं आपको कि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्ट किया है, और एक्शन भी बहुत अच्छा किया था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। अभय जी सही बोल रही हैं,
हाँ तो सही बोल रही है सर। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अबे जी फिल्म में रितेश जी के साथ काफी इसमें गाना भी आपने सुना होगा, कोई सबसे अच्छा आपको गाना कौन सा लगा रितेश जी का? रितेश जी का देखिए एक ही गाना मेरे को याद है, हेलो कौन मैं हूँ। हाँ हेलो कौन हम बोल रहे हैं। ये गाना तो बहुत वायरल हुआ सही। और कौन कौन से आपके साथ फिल्म में का? लेकिन हमारी फिल्म में जो सॉन्ग है ना वो सॉन्ग इससे भी ज्यादा अच्छा है, हेलो कौन से। लाइन अभी बिकॉज शूटिंग अभी नहीं हुई है तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगी, बट मैंने एक दो बार सुना है। हम लोग आज रिहर्सल में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं आप अक्सर देखते हैं भोजपुरी फिल्मों में रिहर्सल नहीं होती है, डायरेक्ट शूटिंग पे जाते हैं। टारगेट तो है बहुत सारे, देखते हैं लोगों का प्यार कितना मिलता है। अभय जी आपकी आवाज जो है वो खेसारी लाल यादव से काफी मिलजुल रही है जी, तो कहीं ना कहीं दर्शक एक बार धोखा खा जाएंगे कि ये तो खेसारी लाल की वॉइस सेटअप किया गया है क्या? नहीं मैं देखिए खेसारी लाल एक लीजेंड एक्टर है, अब वॉइस अगर मिल रही है तो अनफॉर्चुनेटली है खेसारी जी। मैं खेसारी जी के जैसा काम कर सकता हूँ लेकिन उनके जैसा डांस नहीं कर सकता मैं सर, वो अच्छे डांसर हैं। तो आयुषी अगर आपको मौका मिले तो आप अभय जी को डांस सिखाना चाहेंगे? बिल्कुल सिखाना चाहूंगी, और हम दोनों का एक गाना है भी इस फिल्म में, तो पब्लिक को बहुत मतलब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, बहुत अच्छा गाना है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बना है मधुकर जी ने, और जितना एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने रखा है देखते हैं शूटिंग के बाद। आयुषी फिर से कब पवन खेसारी साथ नजर आओगी किस फिल्म में? बहुत जल्दी आऊंगी, बहुत जल्दी कुछ नया न्यूज मिलेगा आप लोगों को। अभय जी और बाकी जो इंडस्ट्री के कलाकार हैं क्या उन लोगों के साथ भी आप काम करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, एज ए एक्टर मैं जरूर करूंगा काम सबके साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ रुद्रा फिल्म्स के लिए ही करूंगा, चांस मिलेंगे तो सबके साथ करूंगा मैं। सर आपका प्रोडक्शन के हिसाब से बड़े स्टार को लेके कुछ मूवी बनाने वाले हैं ऐसा कुछ? जी जी ये मेरी जो दूसरी मूवी है भैया नीलकंठ, इसमें जो इंडस्ट्री के टॉप के विलन हैं जैसे अमित शुक्ला जी हुए, संजय पांडे, इनके साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी तीसरी मूवी होगी उसके लिए हम बड़े स्टार के बारे में ही सोचेंगे सर। तो अभय तिवारी छोटे स्टार थोड़ी हैं? नहीं बेसिकली मैं छोटा स्टार बनने आया भी नहीं हूँ सर। जी देखिए मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि प्यार तो बेसिकली मेरे को उन लोग से मिलेगा ही सर, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है और मेरे गाने भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है तो मैंने अच्छा काम किया तो जाहिर सी बात है सर दर्शक प्यार करेंगे ही, और बाकी दर्शक के ऊपर है सर, सर पे चढ़ाना जमीन पे उतारना तो उन लोगों का काम है सर। म्यूजिक पे कितना ध्यान दिया आपने? सर मेरे दो गाने इस मूवी में तो मैंने रिहर्सल किया है, मैं डायरेक्ट ऐसे शूट पे नहीं चला गया था, मैंने रिहर्सल किया है, मैं आज भी जाऊंगा रिहर्सल पे, तो बिना रिहर्सल के सर मैं डांस नहीं कर रहा हूं, तो मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। और कौन कौन से कलाकार हैं आप साथ फिल्म में? दिल तुझ पे कुर्बान में, जी दिल तुझ पे कुर्बान में तो रितेश पांडे हैं, आयुषी तिवारी हैं, और अमित शुक्ला जी हैं, और समर्थ जी हैं, संगीता जी हैं, एजाज खान हैं, अच्छे एक्टर हैं सर इसमें। राजू जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, कितना भरोसा करते हैं? जी राजू चौहान जी पे बहुत भरोसा है मुझको सर, क्योंकि ये एक्टिंग कैसे करवाना है इनको बहुत अच्छे से मालूम है, मंजे हुए डायरेक्टर है हिंदी के ये, तो कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर मुझको। कभी सेट पे चिल्लाते हैं आपके ऊपर? काम नहीं कर पाते हैं तो? हाँ जी चिल्लाते तो हैं लेकिन थोड़ा धीरे से चिल्लाते हैं। चिल्लाते हैं बट क्या काम अच्छा नहीं करते। आयुषी जी आप जिस तरह से अभी हंसी, ऐसी कोई ऐसा कुछ सीन आपको याद है जहाँ पे इन्होंने कोई गलती की और राजू जी ने डांटा इसलिए आप हंस रही हैं? नहीं एक्चुअली एक्टिंग के टाइम पे बहुत सीरियस रहते हैं राजू जी या अभय जी कोई भी हो, बाकी टाइम हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं, बट जब कैमरा ऑन होता है तो सब सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल, और डायरेक्टर हमारे इतने अच्छे हैं कि डांटते नहीं, बट कभी कभी इनको गुस्सा आता है जैसे काम निकालना होता है, प्रेशर तो होता ही है डायरेक्टर के ऊपर तो उस हिसाब से कभी कभी रहता है, बट बहुत अच्छे डायरेक्टर है, काम बहुत अच्छे से करवाएगा। दोनों तिवारी से मेरा सवाल है, डांस करना आप दोनों को बहुत अच्छा आता है, कल होली है तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे दर्शकों से? गुनगुनाना चाहेंगे yes. सिनेमा घर में जाकर हर कोई इस फिल्म को देख सके क्योंकि आप एक अच्छी मूवी लोगों के सामने लाने की आपकी कोशिश है। मैं इस फिल्म को कंप्लीट तो कर लिया, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, मगर मैं मई जून में इसको रिलीज करूंगा, और मैं इस फिल्म का प्रमोशन अलग तरीके से प्रमोशन करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे प्रोड्यूसर है, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, उन्होंने बड़ी
छूट दी है मुझे कि जो भी प्रमोशन इस फिल्म के लिए जो भी करना है वो करिए। प्रमोशन थोड़ा सा क्या है, भोजपुरी में कई चीज़ें अभी चल रही हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, आप छोटी से छोटी चीज़ को जानते हैं कि क्या चल रहा है। मगर मैं जैसे मैंने पिछली फिल्म में बहुत अच्छे से डिफरेंट से वो प्रमोशन किया था, इसका उससे भी बेटर करेंगे। और इसमें क्या है कि प्रोड्यूसर बहुत मजबूत है मेरा और मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ इस पर, मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ कि ये चीज़ें अच्छा प्रमोशन करके रिलीज मई जून में रिलीज करूँगा। आपकी जो अगली फिल्म है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, वो किस तरह? हाँ, एक ये रुद्रा फिल्म की दूसरी फिल्म मैं कर रहा हूँ, भैया नीलकंठ, जिसमें अभय तिवारी जी सोलो हीरो होंगे, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें एक्शन बहुत ज़्यादा होगा और इमोशनल तो है ही, इमोशनल तो बगैर इमोशनल के कहानी नहीं होती है। और उसमें संगीता तिवारी है और अभी कास्टिंग चल रही है, उसको अप्रैल में हम लोग शूट करने जा रहे हैं देवरिया उत्तर प्रदेश, और यूपी में शूट करेंगे और बाकी का सब कास्टिंग चल रही है। और वो लार्ज फिल्म है, भोजपुरी की बड़ी महंगी पिक्चर होगी ये, और प्रोड्यूसर ने खुद बोला है कि भाई मैं इसको बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ। अभय तिवारी जी न्यू इंट्रोड्यूस हुए रितेश जी के साथ में, हाँ। कैसा रहा उनका अभिनय इस फिल्म में? अभय तिवारी जी के रितेश जी के साथ में दोनों की टक्कर की एक्टिंग की है और दोनों अच्छे एक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय तिवारी नए जैसा नहीं लगते हैं कि वो पहली बार काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, और रितेश भाई ने बहुत, रितेश मेरे बहुत प्यारे भोजपुरी के बहुत प्यारे एक्टर हैं और मैं चाहता हूँ कि वो और ऊपर जाएं, जो अभी आजकल उनका गाना भी हिट हुआ है, बड़े स्टार बने, तो भाई नेचर बहुत अच्छा है, प्यारे। अलका अगर हम कहानी बताएंगे तो एक लाइन में कहानी क्या कहना चाहती है फिल्म? पति पत्नी की कहानी है ये, एक विश्वास, एक समाज में जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और गांव में ज़्यादा पैदा होती हैं। आजकल हमारा एक पति शहर में रहता है तो उसकी पत्नी को लोग लाशन लगाते हैं, उनको कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं, बस ये लाइन है। बाकी की फिल्म देखिए और मेकिंग देखिए, और म्यूज़िक बहुत अच्छा किया है मधुकर आनंद जी ने, तो ये चीज़ें हैं। और क्या नया, हिंदुस्तान में यही चार कहानी होती हैं और उसी में चलता है, उसमें जो अच्छा बना लेता है वो अच्छी चल जाती है। और कौन कौन सी फिल्म अभी कंप्लीट हो चुकी है जो रिलीज पे? मेरी अभी शुक्ला वांटेड है और सिंह द्वार है, कई फिल्में हैं अभी रिलीज कंप्लीट हुई हैं, अभी ये दिल तुझ पे कुर्बान पहले ये रिलीज करूँगा, उसके बाद सब रिलीज करूँगा। और होली आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को एक ही चीज़ कहता हूँ, होली खेलिए, पानी मत बहाइए, कलर लगाइए, अच्छे कलरों से खेलिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, सेफ रखिए, हुड़दंग ना करें। और आपको रंग लगाना था? मुझे कलर लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, मगर गीला नहीं सूखा। हैप्पी दिवाली जी। इसकी शूटिंग पूरी हो गई है, कब तक फिल्म दर्शकों के बीच में आएगी, क्या कहना चाहेंगे? रितेश पांडे और अभय तिवारी की जोड़ी कैसी रही? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार हाथ जोड़ करके, सभी चैनलों को। और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर राजू चौहान, रुद्रा फिल्म कंपनी के बैनर के तले ये फिल्म बनी है दिल तुझ पर कुर्बान। रितेश और अभय तिवारी जी की ये जोड़ी बहुत हिट होने वाली है और ये फिल्म हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाई है और उस लोकेशन पर शूटिंग की है हम लोगों ने जिसपे कभी फिल्म की शूटिंग हुई नहीं है। पानागर एक जगह है कलकत्ता के पास में और दुर्गापुर के पास, और इसमें आयुषी तिवारी है, अमित शुक्ला है और दीपक सिन्हा है, आयाज खान है और दलीप फाइट मास्टर जी हैं जो एक्शन किए हैं, म्यूजिक मधुकर आनंद जी का है, विनय बिहारी जी ने लिरिक्स लिखे हैं और राकेश त्रिपाठी इसके राइटर हैं और मैंने डायरेक्ट किए। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और मनोरंजन फुल कमर्शियल है कि उसके हिसाब से कोई टेंशन नहीं है।
जिस तरह से आपने बताया फिल्म तुझ पे कुर्बान की जो शूटिंग है ऐसे लोकेशंस पे की गई है जहाँ पर इससे पहले कोई भी शूट नहीं हुआ है, तो इस फिल्म को ऐसे ही लोकेशंस की जरूरत थी या फिर उस लोकेशन में ऐसा कुछ खासपन था खासपन आपको लगा जिसकी वजह से आपने उस लोकेशन पे शूटिंग की फिल्म की? मैंने इसका सब्जेक्ट की मांग थी कि हमको पुरानी स्टाइल के जो घर होते थे, कच्चे घर और सब काम करते थे किसान लोगों का, और ये एक लव स्टोरी है, डिफरेंट लव स्टोरी रखी है जो आज तक जो है बहुत कम, अब तो फिल्मों में कच्चे घर या गांव ऐसा दिखाते नहीं है, और इस सब्जेक्ट की मांग थी कि उस लोकेशन पे हम लोग शूट करें। और इस फिल्म में क्या कुछ नयापन है, एक लव स्टोरी है या फिर इससे कोई मैसेज देने की भी कोशिश की गई है? इसमें हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने वल्गरिटी नहीं दिखाई है, भोजपुरी में जो वल्गरिटी लोग दिखाते हैं करते हैं वो नहीं दिखाई है, और इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल मैसेज वाला बोल सकते हैं कि एक शादी के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। आज हमारा मोबाइल नेट सब कुछ आ गया मगर उतने ही हम लोग दुखी हैं, उतने ही हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे माँ बाप, भाई बहन सब लोग दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। हम वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर घर पे हर बंदे पे मोबाइल है मगर अभी भी उस इलाके में कि कच्चे घर हैं, सुबह का खाना खा लेते हैं शाम का, मगर लव स्टोरी सब जगह चलती है, प्यार करने के लिए वो लोग भी वक्त निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैसेज है कि हम सोचते कुछ है, करते कुछ और हैं, और हमारे जितने नेट ये लोग आजकल हम दूसरों का झूठन ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो नहीं किया मैंने, मैंने ओरिजिनल स्टोरी उठाई है, ओरिजिनल कहानी है, ये एक रियल घटना है, किसी के साथ घटी हुई घटना है, और वो कलकत्ता का ही बंदा था और वहीं पे शूट किया था। मैंने सोचा कि इसको भोजपुरी फिल्म बनाया जाए, भोजपुरी समाज में जो ये सेम घटना है पूरी इंडिया में, हिंदुस्तान का जो समाज है वो एक ही ढर्रे पे चलता रहता है कि कुछ भी आ जाए, नेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, मगर सबसे पहले वो अपने रिश्तों को खोना शुरू करते हैं। ये मैं इसमें दिखाने की कोशिश किया कि ऐसे मत करो, ऐसे ये सब्जेक्ट बहुत इमोशनल है, और रितेश पांडे जी का जो है उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म होगी ये, चलना नहीं चलना।